देखो मैं टाइम टू टाइम जो है पेटीएम पॉइंट्स को जो है कैश में कन्वर्ट करता रहता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मेरे को मज़े आते हैं, ये मेरी मजबूरी है। अब पॉइंट्स का जो है रखे रखे कुछ होने वाला नहीं, आपके पास भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते होंगे कैश में। तो बन रही है इस वीडियो में, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स को अर्न करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्या कर सकते, और रही बात कितने पॉइंट्स को मिला के एक रुपये का वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे और लास्ट में हम ये समझेंगे किस तरीके से गिफ्ट वाउचर को जो हमें क्लेम करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गिफ्ट वाउचर जो रिडीम करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास पेटीएम के जो पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू काफी ज्यादा कम है। 130 पॉइंट होंगे तब जाके आपको यहाँ पे एक रुपए मिलने वाला है। अगर आपके पास पॉइंट्स कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, पेटीएम के अंदर ही अगर आप रिचार्ज करते हैं, पेटीएम का यूज़ करके यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। पेटीएम वॉलेट में अगर मनी को ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। ट्रांजेक्शन करने पर मिलता है, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग या मूवी टिकट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पेटीएम पोस्टपेड चलाते हैं या फिर पेटीएम का पेमेंट्स बैंक है तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। थर्ड पार्टी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब रही बात इन सारे पॉइंट्स का आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यूजेस के अंदर तो कई सारी चीज़ें, जैसे कि आप अगर रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे आप पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। बिल पेमेंट करते हैं आप, किसी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है। गिफ्ट कार्ड यहाँ पे जो क्लेम करते हैं, रिडीम करते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर किसी ब्रांड डील के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डील मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 10% 5% का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। साथ में आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाता है कई सारे एप्लीकेशन का, और साथ ही साथ जो इस पॉइंट्स को आप रिडीम कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि आप जो इस पॉइंट को जो है रिडीम करने के बाद कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, साफ साफ इनके गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपके पास जो पॉइंट्स हैं उसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं किस तरीके से हमें गिफ्ट वाउचर को जो है क्लेम करना है या फिर रिडीम करना है। तो उसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपको पेटीएम ओपन करना है, और जैसे ही ओपन करेंगे नीचे आपको यहाँ पे कैशबैक का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिडीम नाउ। अब उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो रो दिख रहा है आपको ऊपर वाला, उसे लेफ्ट स्वाइप करना है, और जैसे ही आप स्वाइप करेंगे लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ई गिफ्ट वाउचर या ई गिफ्ट कार्ड करके, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कार्ड देखने को मिल जाएंगे, 10 रुपये, 50, 100, 250, 1000। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 130 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि मैं 10 रुपये का वाउचर यहाँ पे क्लेम करने वाला हूँ, रिडीम करने वाला हूँ, उसमें मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है इसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। नीचे आप क्लिक करके आसानी से रिडीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गिफ्ट वाउचर जो है मिल जाता है। तो इस वीडियो कैसी लगी, वीडियो चलेगी वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करना है यार, बड़ा सा मतलब नीचे दिख रहा होगा उसे बड़ा सा बटन को दबा दीजिए, साथ साथ छोटा सा एक चैनल का सब्सक्राइब का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो डिस्कस करना चाहते हैं, तो मतलब नीचे छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।